यार मैं क्या कह सकती हूँ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ये हदीस पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबु ज़िक्र इक्तिसाली अर्रजुल वल मरअते मिन निसाइहि मिन इनाइन वाहिद। عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وعنا من إناء واحد نعترف منه جميعا। हदीस का नंबर है 232। باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد। ये बाब है इस बयान में कि आदमी का और औरत का उसकी बीवियों में से किसी एक के साथ गुसल करना, मिन इना इन वाहिदिन एक बर्तन से, आदमी का और आदमी का अपनी बीवियों में से किसी एक बीवी के साथ एक बर्तन से गुसल करने का जिक्र। मिन इना इन वाहिदिन एक बर्तन से, सो क्या करेंगे, ये बड़ी हो जाएगी। عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا। أم المؤمنين سيدة عائشة صديقة رضي الله عنها سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے، वाना और मैं, मिन इना इन वाहिदिन एक बर्तन से, नग तारीफो मिन हो हम चुल्लू भरा करते उससे, हम चुल्लू लिया करते उससे, जमीआन एक साथ। इस हदीस से जो बातें मालूम होती हैं उनमें से एक अहम तरीन बात यह है कि मर्द और औरत का इकट्ठे गुसल करना जायज है। इकट्ठे इस तौर पर गुसल करना कि एक ही टब के टब से वो दोनों पानी ले रहे हो, और ये है कि वो जो पानी ले रहे हैं, जाहिर बात है इस दौरान यानी जब मर्द पानी लेगा तो वो पानी मर्द का बचा हुआ होगा, जब औरत पानी लेगी तो वो पानी औरत का बचा हुआ पानी होगा। तो इस सूरत में दोनों एक दूसरे का बचा हुआ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहां से होगी, अभी ये मसला है कि जो ना वो स्टॉप कर दे इसको, आप ना देखें उसे, क्या परेशानी है इसमें, यहां पर कोई आए और आकर इसको ठीक कर दे।
ठीक है। नगतारिफ का माना होता है चुल्लू भरना। चुल्लू भरना समझते हैं या कोई और लफ्ज इसके लिए है? जी हाथों में एक साथ यूं हाथों से पानी भरना। बिल्कुल वाज़ह मसला है हदीस का अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे ये बात भी मालूम होती है, काफी साल पहले की बात है, जब मैं 2005 में पढ़ रहा था तो तब जो है वो सही बुखारी की अहादीस पर एतराज करने के हवाले से एक किताब मंजर याम पर आई थी, और उसमें ये जो हदीस है तो इस हदीस या इससे मिलती जुलती अहादीस जो सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर भी एतराज किया गया था कि ये कैसे मुमकिन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जौजा के साथ इकट्ठे गुसल किया करते थे और गुसल करते हुए तो जिस्म के ऊपर लिबास नहीं होता, तो ये कैसे मुमकिन है कि नबी अपनी जौजा के साथ बगैर लिबास के जो हुए इकट्ठे गुसल कर रहे हों। तो हमारे अहले हदीसों में से कोई उठा और उसने उन एतराजात का जवाब दिया, उसने तीर ये मारा, हमारे अहले हदीस ने तीर ये मारा कि उसने कहा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान टब होता था। तो यहां से मालूम होता कि टब की वजह से एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, इस तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ टब ही की सूरत में एक दूसरे के सामने आ जाते थे और आंखें खोलते थे? और जब अल्लाह ताला ने एक चीज को हलाल करार दिया है तो फिर उसमें इस कदर सख्ती क्यों बरतना? जब इससे बड़े काम हो रहे हैं तो फिर ये तो एक छोटा सा मामूली काम है। नगतरिफ का माना है कि हम चुल्लू भरा करते, और ये जमा मुतकल्लम का सीगा है, इगतरफा यगतरिफ, और इसी से गरफा है, और इसी से लफ्ज आता है मिगरफतुन डोई। आप समझते हैं ना, मिगरफतुन ये चम्मच को या डोई को कहते हैं क्योंकि ये भी पानी भरने का या एक चुल्लू भरने का एक किस्म का आला है। तो मेरा नगतरिफ जमा मुतकल्लम का सीगा है। हदीस का नंबर है 233। खवातीन में से कोई पढ़े इसे? सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक ही हिकमत यह भी है कि पानी कम कम होता था तो उसमें इकट्ठे गुसर कर लेते ताकि दोनों का काम भी हो जाए। बिल्कुल, और इस तरीके से एतराजात करने वाले को खुले आम जवाब देना चाहिए। इस तरीके से ये माजरत खुहाना रवैया है वाकई में, तो ये यानी अहले इल्म की ये लाज नहीं है। जब एक दूसरे को लिबास करार दिया है तो लिबास से बढ़कर क्या होती है चीज कि जिसे इंसान लिबास से अपने आप को तो नहीं छुपाता, लिबास से अपने आप को छुपाता है, लिबास के जरिए से अपने आप को छुपाता है। जी पढ़िए। عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. أم المؤمنين عائشة صديقة رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ كنت أغتسل أنا ورسول الله میں اور رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل کیا کرتے تھے من إناء واحد ایک ہی برتن سے मिनल जनाबत जनाबत से। पहली हदीस में इसका तस्करा इसकी सराहत नहीं थी कि ये जो गुस्ल था ये किस लिए होता था। जब तक आजानें आ रही हैं आपसे एक सवाल है, कौन तो अगतसिलो अना व रसूलुल्लाह, कौन तो में मुतकल्लम का सीगा है थी में, अगतसिलो में गुस्ल किया करती, फिर दोबारा अना को क्यों लेकर आए? तो मैं थी, अगतसलो मैं गुसल किया करती, अना, तो ये अना को अलीदा से क्यों लेकर आए? नहीं ताकीद के लिए नहीं, ये लाना जरूरी है, ताकीद जरूरी नहीं होती लेकिन ये जरूरी है। यहां पर एक कायदा लगता है,
उम्मे साद जिंदाबाद, सही जवाब आ गया। अजान तो पूरी होने देते। अच्छा, अब ये है कि जब जमीर मरफू मुत्तसिल पर अतफ डालना हो, ठीक है ना, जैसे यहां पर अतफ डालना था रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह का अतफ डालना था अगतसलु में, जो जमीर है अना उसके ऊपर, अगतस कुन तो अगतसलु व रसूलुल्लाह ये नहीं कह सकते, इसलिए कि वाव का, वाव के जरिए से जो रसूलुल्लाह का अतफ है वो हो रहा है अगतसलु में अन जमीर पर। कायदा ये है कि जब जमीर मरफू मुत्तसिल पर अतफ डालना हो तो जमीर मरफू मुनफसिल से फासला लेकर आते हैं। ठीक है, कायदा क्या है, जैसे यहां पर एक सीगा है ना अगतसिलु, क्या सीगा है, वाहिद मुतकल्लिम का, इसमें जमीर क्या है अन, मैं गुसल करती और रसूलुल्लाह सल्लम गुसल करते। अब अगतसिलु जो फेल है इसके अंदर जो अन जमीर है, इस अन जमीर पर अतफ डालना है रसूलुल्लाह का, तो रसूलुल्लाह का जो अतफ है वो डायरेक्ट अगतसिलु की अन जमीर पर नहीं डा सकते जब तक के दरमियान में कोई और फासला ना लेकर आए। जी हाँ, तो ये कायदा है, जब जमीर मरफू मुत्तसिल पर अतफ डालना हो तो जमीर मरफू मुनफसिल के जरिए से फासला लाते हैं। अगली हदीस है, यहां पर भी यह है कि जनाबत से, तो मालूम हुआ कि जनाबत की वजह से भी मर्द और औरत एक दूसरे का बचा हुआ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इकट्ठे नहा रहे हो या शोहर नहाकर चला गया पानी बच गया, या बीवी नहाकर चली गई और पानी बच गया। कुछ आदिश में अगर से मना आता है, लेकिन ये उस सूरत में है कि जब औरत समझदार ना हो, लेकिन अगर औरत समझदार है, समझदार से मुराद ये है कि उसको पता है कि जो पानी मैंने इस्तेमाल किया है, जब मैंने इसके अंदर हाथ डाला था तो उस वक्त मेरा हाथ साफ था, और फिर एक जब मैं नहाई हूं तो नीचे से पानी और कीचड़ ये दोबारा इसके अंदर नहीं गए, अगर इतनी सुलझी हुई समझदार औरत है तो उसके साथ, या फिर यह है कि उसके नहाने के बाद उसी के बचे हुए पानी से नहा सकते हैं। और यही मामला मर्द का भी है, बस औकात औरतें समझदार होती हैं लेकिन मर्द समझदार नहीं होते, उनको नहाने का तरीका नहीं आता। आज ही अखबार में था, एक लाहौर में एक औरत ने अपने शोहर पर केस कर दिया, उसने कहा कि ये नहाता नहीं है, तो इस तरह के मामला भी होते हैं। अदालत ने फैसला दिया कि इसको 6 महीने तक अलहदा रखो ताकि सुधर जाए, हम फौरन तलाक नहीं दिलवाएंगे। अगली हदीस है 234। عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء أغتسل أنا وهو منه। عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, فرماتی ہیں لقد رأيتني, अलबत्ता तहकीक मैंने खुद को देखा, उनाजियाओ में झगड़ा करती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी अल्लाह के आखिरी नबी जो तमाम बशर में से अफजल हैं, वो उनकी जो इंतहाई यूसुफ पोशीदा जिंदगी है उस राजों को खोला जा रहा है ताकि उम्मत को तालीम दी जा सके कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब ये कहां मामला होता, गुसल खाने में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करती, अल इना बर्तन पर, अगतसिलु अना वहुवा मिनहु, कि मैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे गुसल कर रहे होते, झगड़ किससे रहे होते, यानी हर एक ये चाहता कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो, यानी पहले से पहले वो अपनी तरफ पानी दे और खुद को नहाकर फारिग कर दे। यहां से एक तो ये बात मालूम हुई कि अपने घर वालों के साथ मिलकर नहाना, यानी अहलिया के साथ, और फिर ये है कि यानी ये जो जगह है इस जगह पर भी पहुंचकर, यानी गुसल खाने के अंदर भी एक, यानी हुस्नुल मुआशरा, बीबी के साथ एक अच्छा सलूक करना, उसका भी ये यानी एक मंजर हमारे सामने पेश किया गया
कि इस मौके पर भी हल्का फुल्का मजाक कर लेना। असल में हम जो है वो बसाओकात जब मुत्तकी बनना शुरू कर देते हैं ना, तो बहुत सारी जायज चीजों को भी अपने पसे पुश डाल देते हैं। हम समझते हैं कि शायद हंसना मजाक करना ये भी तकवा की मनाफी है। 235 हदीस से अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि كنت اغتسل انا ورسول الله, मैं गुस्ल किया करती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किया करते मिन इनाइन वाहिदन, एक ही बर्तन से। अब यहां पर भी देखिए كنت اغتسل انا ورسول الله, इस ऊपर वाली हदीस में देखें لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه وسلم أغتسل أنا وهو, अब हुआ का अतफ डालना था अख्तसलु की जमीर पर, तो बीच में अना का फासला लेकर आए। 236 عن ابن عباس رضي الله عنهما गुस्ल खाने में बात करना मना है। हमने कल क्या पढ़ा था? नहीं जी, मिन्हु का मतलब है उससे। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं अखबरतनी खालती मैमूना, तो मुझे मेरी खाला मैमूना रजी अल्लाह अन्हा ने खबर दी अन्नहा कानत तग्तसिलु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिदिन, कि बेशक वो गुसल किया करती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से। जी कान तकसलु, ये अखबरतनी खालती मैमूना तो, जी हाँ। अब ये बताइए कि मैमूना तो पर अतफ क्यों है? जी हाँ, ये आपने अच्छी तवज्जो दिलाई। अखबरतनी खालती मैमूना तो, मैमूना तो पर पेश क्यों है? फाइल जो है ना वो खालती है, मुझे मेरी खाला ने खबर दी, वो फाइल हो गया। तमीज मंसूब होती है, तो मुब्तदा कहाँ है? अरसलान, बदल बदल, बिल्कुल बदल है ये, दो मरतबा लिखा है, बिल्कुल बदल है ये बदल है। किससे? खालती से। बदल और मुबदल मिन हो, दोनों का एराब एक होता है। अगली हदीस है, जी हाँ, तो बदल इसलिए है क्योंकि अखबरतनी ये फेल है और खालती ये फाइल है, और यहां पर खालती असल में मरफू है, लेकिन या मुतकल्लिम की तरफ निस्बत की वजह से जो है वो खालती ता के नीचे जेर आ गई है, बगैर खालती महलन मरफू है, तो जब ये मरफू है तो इससे जो बदल आएगा वो भी मरफू ही होगा। अन्नाइमिन मौला उम्मे सलमत, नाइम जो के मौला हैं उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा के। मौला किसे कहते हैं? आजाद किए हुए गुलाम को। अन्ना उम्मे सलमा सुइलत, बेशक उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा से सवाल किया गया अतग्तसिलुल मरअतु मअर रजुलि, क्या औरत गुसल कर सकती है मर्द के साथ, क्या बीवी गुसल कर सकती है शोहर के साथ।
قالت نعم उन्होंने फरमाया जी हाँ اذا كانت كيسة जब वो हो अकलमंद اذا كانت كيسة जब वो अकलमंद हो अकलमंद से मुराद ये है कि उसको तहारत के मसाइल मालूम हो رأيتني ورسول الله मैंने खुद को देखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नगतसिलु मिन मिरकनिन वाहिदिन हम एक ही टब से गुसल किया करते नुफीदु हम उंडेलते टब में से पहले पानी यानी नहाने का आगाज ऐसे करते कि नुफीदु अला अईदीना हम अपने हाथों पर उंडेलते हत्ता नुनकियहुमा यहां तक कि हम उन दोनों को साफ करते थुम्मा नुफीद फिर हम बहाते अलई हलमा उनके ऊपर पानी पहले हम हाथों को अपने हाथों के ऊपर पानी बहाते फिर हम उनको साफ करते थुम्मा नुफीद अलई हलमा फिर हम उस पर पानी डालते उस पर यानी शर्मगाह पर। अच्छा ये कहते हैं قال الاعرج ये जो रावी हैं इस हदीस में अब्दुर्रहमान बिन हुरमुज अल आरज कहते हैं कि لا تذكر فرجا ولا आप कहेंगे आगे क्या लिखा हुआ है आगे वला तबालहु के उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा ने शर्मगाह का जिक्र नहीं किया लेकिन ना ही जिक्र करने में उसकी परवाह की मतलब कि मामला समझा दिया कि पहले हम अपने हाथों के ऊपर पांव पानी उंडेलते फिर हम शर्मगाह के ऊपर जो है वो पानी को बहाते। ला तज़कुरु फ़रजन शर्मगाह का उन्होंने तस्करा नहीं किया वला तबालहु और ना ही उसकी परवाह की यानी कि एक ऐसी बात है ना कि जिसको जिक्र करते हुए इंसान को हया आती है लेकिन जब दीन का मामला समझाया तो उन्होंने इसको वाज़ह तौर पर करके समझाया उसकी परवाह नहीं की कि वो शर्मगाह का जिक्र कर रही हैं। क्या ये भी मुमकिन है कि ये जो लफ्ज है अलैहल मा हम उनके ऊपर पानी बहाते मोनस की जमीर है तो यहां पर इससे मुराद अबदान भी हो सकते हैं फिर हम अपने जिस्मों के ऊपर पानी बहाते। बाज़े हदीस है हदीस के अंदर अल्फाज जो हैं वो एक नुनकियहुमा यहां तक के हम उन दोनों को साफ कर लेते हाथों को अच्छी तरह धोकर गंदगी से साफ कर लेते तुम नुफीद अलैहि हलमा फिर हम उनके ऊपर पानी बहाते तो शर्मगाह पर या अपने जिस्मों के ऊपर। अच्छा यहां पर एक और लफ्ज है वो कई सतन इसका माना है अकलमंद ला तबालहु का माना है कि उन्होंने परवाह नहीं की बाबु दिक्रिन नहीं अनिल इख्तिसाले बिफदलिल जुनूबे ये बाब है कि तस्करा है जुम्बी के बचे हुए पानी से गुसल करना अन्ना ये मना है अनिल इख्तिसाल गुसल करने से बिफज़लिल जुनूबी जुम्बी का बचा हुआ। ये जो लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना फजल का माना क्या होता है इजाफी फजल का माना होता है इजाफी क्योंकि अल्लाह सुबहानहु व तआला बंदों के ऊपर जो उनको नेमत अता फरमाता है तो वो नेमतें उनके वो बंदे हकदार नहीं होते लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपना फजल देता है अपने फजल से यानी अपनी इजाफी जो हो नेमतें वो बंदे को दे रहा होता है और अगर महज बंदे के आमाल अगर उसके ऊपर बंदे को मिलने लगे तो पूरी दुनिया भूखी मर जाए क्योंकि बंदों के आमाल ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला उनको दे लेकिन यह कि अल्लाह ताला अपने फजल से उनको देता है। बिल्कुल फजल का माना है बचा हुआ सही।
ये बाब है कि मना है गुसल करना जुम्बी के बचे हुए पानी से। जमीर मुजक्कर की क्यों है, किसमें जमीर मुजक्कर की है? अलैहा अगर इसका जिक्र कर रहे हैं तो लफ्ज बदन के लिए जमीर मोंडस की इस्तेमाल की है। अन हुमैद बिन अब्दुर्रहमान कला, हुमैद बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है, फरमाते हैं लकी तो रजुलन, मैं एक ऐसे आदमी से मिला जी, तो बा ला तबा लहू, हाँ ना उसकी शर्मगाह की उन्होंने परवाह की। तो यहां पर शर्मगाह की तरफ जो वो जमीर, क्योंकि इंसान के जिस्म में जो आसा एक होते हैं वो मुजक्कर होते हैं। लकी तो रजुलन, मैं एक आदमी से मिला, साहिबन नबीया कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उसको मिली। मैं किस आदमी से मिला कि जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, यानी आपकी किसी सहाबी से मिला। कमा साहिबहु अबू हुरैरा था, जैसा कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सोहबत इख्तियार की। अरबा सनीन, चार साल। قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, अय्यम ताशिता, ये के कंगी करे, अय्यम ताशिता, ये के कंगी करे, अहदुना हम में से कोई एक, कुल यौम हर रोज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि हम में से कोई एक हर रोज कंगी करे, और हम दिन में 5 से 10 मरतबा कंगी करते हैं। औ यबूल फी मुग्तसलिही, या वो पेशाब करे अपने गुसल खाने में। औ यग्तसिल रजुल, या आदमी गुसल करे, बिफदल मरअति, औरत के बचे हुए पानी से, वल मरअतु बिफदल रजुल, और औरत गुसल करे मर्द के बचे हुए पानी से, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे भी मना किया। वल यगतरिफा जमीअन, और चाहिए कि दोनों चुल्लू भरें, दोनों अपने हाथों से पानी लें, जमीअन एक साथ इकट्ठे, यानी नहा रहे हो तो एक साथ जो है पानी लें, बाकी यह है कि एक दूसरे का बचा हुआ पानी इस्तेमाल ना करें। अच्छा, यहां पर इस हदीस मुबारक में कुछ मामलात की तरफ निशानदेही की गई है। पहला मसला इसमें ही है रोजाना कंगी करने का। उलमा ने इसको हराम करार नहीं दिया, ये जो मना है ये इसलिए मना है कि इंसान अपने जाहिरी जो है वो कैफियत के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाए, वक्त जाया करे, इससे इंसान को बचना चाहिए। बाकी ये हराम नहीं है कि इंसान अगर उसने कंगी रोजाना की तो वो गुनाहगार हो जाएगा, दो मरतबा की तो ज्यादा गुनाहगार होगा, ऐसा नहीं है, ये नहीं कराहियत पर मामूल है। दूसरा जो मसला है, औ यबूल फी मुग्तसलिही, अपने गुसल खाने में पेशाब करे, अपने गुसल खाने में यानी जहां पर उसने नहाना है, लेकिन वो जगह जो पेशाब के लिए खास की गई है तो वो जाहरी बात है कि वो सिर्फ उसके लिए है, तो वहां इंसान पेशाब कर सकता है, लेकिन जहां नहाना होता है वहां पर बाद में पानी गिरेगा, पानी की छींटे उड़ेंगे, उसको लगेंगे तो उसके दोबारा वसवसा होगा कि लगता है कि ये पानी पेशाब के कतरों के साथ मिलकर दोबारा मुझे लगाए, तो इन वसवसों से बचने के लिए गुसल खाने में पेशाब करने से मना किया गया। औ यक्तसिलु रजुलु बिफदल मरअति वल मरअतु बिफदल रजुल वल यक्तरिफा जमीअन, या आदमी गुसल करे औरत के बचे हुए से, या मर्द औरत मर्द के बचे हुए से, और चाहिए कि दोनों इकट्ठे चुल्लू भरे। यह भी एहतियात के लिए हुक्म दिया गया कि कहीं इंसान के जहन में यह वसवसा ना हो कि मेरी बीवी जो गुसल करके बाहर निकली उसका जो बचा हुआ पानी है अब पता नहीं उसने किस तरह इस्तेमाल किया, तो इस वजह से एहतियात इसी में है कि उससे गुसल ना किया जाए। लेकिन बात यह है कि अगर औरत समझदार है तो उसके बचे हुए पानी से गुसल किया जा सकता है। तो इसलिए हमने कहा जो रोजाना चोटी बांधनी होती तो एक ही मरतबा बांध ले, रोजाना बांधने की जरूरत तो नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, ये मतलब है कि इंसान को
तरफ यानी हद से ज्यादा अपने आप को बनाना संवारना और हर वक्त इसी चीज में। देखिए एक होता है कि सफाई सुथराई सलीका, ये तो ये दीन इस्लाम के अंदर हमारे मतलूब है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा उसके पुराने कपड़े थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तो सिंगा के हैं, अल्लाह ताला मुझे हर तरह का माल दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई नेमत दे तो अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि उस नेमत के असरात बंदे के ऊपर नजर आए। तो ये अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। बल्कि एक हदीस में तो यहां तक फरमाया कि अगर तुम में से किसी के बाल हो तो वो इन बालों का इकराम करे, उनकी इज्जत करे। बालों की इज्जत यही कि उनको संवार कर रखे साफ सुथरे तरीके से, लेकिन घंटों इसी ही में लगा दे, कभी जो है वो कोई स्टाइल बनाए कभी कोई बनाए और रोजाना इसमें घंटों जाया कर दे कि आज मुझे एक अलग जो है वो लुक देना है, तो जाहिर बात है कि ये एक चीज नापसंदीदा है। जी ये है कि जब रसूलुल्लाह सम सफर के लिए निकलते थे तो खुशबू कंगा सुरमा या उस दौर में जो चीजें दस्तियाब थी वो उनको अपने साथ रखा करते थे, लेकिन हर वक्त कंगा नहीं रहता था, ये कोई हदीस नहीं है। ये लफ्ज मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकानिन ये कहां लफ्ज है, बिकानिन अच्छा ये मिरकन, मिरकन जो लफ्ज है मिरकनिन इसका माना टब है, टब जी। ब्यूटी पार्लर जानना या ब्यूटी पार्लर का काम करना कैसा है, सही। देखिए जहां तक जायज का ताल्लुक है तो हम उसको हराम नहीं कह रहे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद करार दिया है कि हर वक्त, लेकिन जिस मुआशरे के अंदर हम रहते हैं तो उस मुआशरे का लिहाज करते हुए कम से कम उसके बकदर उस मुआशरे में चलने के लिए उतना जो हम ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार कर सकते हैं। औरतों का अपने हाथों के बाल काटना साफ करना क्या है कैसा है, सही। चेहरे के यानी भवों को छोड़कर फतवे ले रखे हैं, सही ठीक है, तो सब कुछ पता है माशाल्लाह। जी हाँ जो चीजें जायज हैं लेकिन उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। हमारे एक साथी थे जहां इस्लामी में पढ़ते थे, तो एयरपोर्ट पर हम गए तो उनकी फैमिली उनको छोड़ने के लिए आई थी, मैंने उनकी बच्ची को देखा माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची थी, तो उसकी आंखें भी उसी तरह, वो अफगानी था, वो बिल्ली जैसी आंखें होती हैं, तो मैंने तारीफ की तो वो बिफर गया। फिर उसने बताया कि मेरे ससुराल वालों ने कैसे मुझसे धोखा किया, बच्ची मुझ पर गई है, मेरी जो बीवी है तो उसको उन्होंने बाकायदा पहले ब्यूटी पार्लर में तैयार करवाया था और फिर उसको मेरे सामने लाकर बिठाया, और जारी बात इस तरीके से उसका विचार साथ धोखा हो गया। आखिर वक्त वो कोशिश करता रहा कि किसी सऊदी खातून से उसकी शादी हो जाए, लेकिन वहां की कवानीन सख्त हैं तो इस वजह से उसको कोई रिश्ता मिल नहीं पाया। फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं। देखिए जहां तक चेहरे के बालों का ताल्लुक है तो भवों को छोड़कर बाकी शरीर की तरफ से कोई पाबंदी आज नहीं हुई तो वो ये जायज है। भवों के लिए भी गुंजाइश निकालते हैं, फिर पता नहीं कहां से निकालते हैं, ये तो किसी ज़ईफ हदीस में भी गुंजाइश नहीं है, मौजू हदीस। सर एक बात ये है कि जब लोग जो है वो सीरत को छोड़कर सूरत को तवज्जा देंगे शादी करने के लिए, तो फिर औरतें भी सीरत के बजाय सूरत को ही तवज्जा देंगी ना उसे संवारने के लिए। देखिए जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सीरत या सूरत इसमें कोई शक नहीं, लेकिन धोखा नहीं होना चाहिए, ताकि एक बंदे को मालूम हो कि वो जिससे निकाह कर रहा है उसका
असल चेहरा क्या है, जो चीजें सामने नजर आ रही है उनमें धोखा नहीं होना चाहिए। आगे हदीस से बाब रुखसत फी जालिका, इस मसले में रुखसत है कि मर्द औरत के या औरत मर्द के बचे हुए पानी से गुस्ल करे। अन आयशा रदियल्लाहु अन्हा قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد। आयशा सिद्दीका रजील्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं गुस्ल किया करती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इना इन वाहिदिन, एक बर्तन से। युबादिरुनी, आप अलैहिस्सलाम मुझसे जल्दी करते, वा उबादिरुहु, और मैं आप अलैहिस्सलाम से जल्दी किया करती, यानी पानी लेने में। युबादिरुनी, आप अलैहिस्सलाम मुझसे जल्दी करते पानी लेने में, वा उबादिरुहु, और मैं आप अलैहिस्सलाम से जल्दी करती। हत्ता यकूल, यहां तक के आप अलैहिस्सलाम फरमाते, दाई ली, मेरे लिए छोड़ो, दाई छोड़ो, ली मेरे लिए, व अकूलु अना, और मैं कहती, दा ली, आप मेरे लिए छोड़े। दाई वाहिद मोनस का सीगा है और दा ये वाहिद मुजक्कर का सीगा है, दोनों अमर के सीगे हैं। दाई ली मेरे लिए छोड़ो, व अकूलु, और मैं कहती, अना दा ली मेरे लिए छोड़ो। तो इससे इस्तदलाल किया है कि मेरे लिए छोड़ो, मतलब ये है कि जब एक नहाएगा तो जो बाकी बच जाएगा वो दूसरे के लिए बचा हुआ ही है और उसे नहाया जा सकता है। हदीस के रावी हैं सुवेद बिन नसर, फरमाते हैं, युबादिरुनी व उबादिरुहु फअकूलु दाली दाली, उसने हदीस यहां तक बयान की। हदीस के रावी सुवेद ये हदीस इस तरह बयान किया करते थे कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, युबादिरुनी व उबादिरुहु, आप अलैहिस्सलाम मुझसे जल्दी करते और मैं आपसे जल्दी करती। फ़ाकुलु दाली दाली, तो मैं कहती, मेरे लिए छोड़ दें, मेरे लिए छोड़ दें। بابو ذکر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها, ये बाब है इस बयान में कि गुसल करना, फिल कसाते, कसा एक कुंडे नमा बर्तन को कहा जाता है, कुंडा के जिसके अंदर आटा गोंधा जाता है, आप उसको आसान लफ्जों में टब भी कह सकते हैं। जी हाँ, पानी कम होता था, औरत हाथ और पैर के बाल काट सकती है, जायज है। ये आईब्रोज कहते हैं इनको, जी हाँ, नहीं ये तो पलके हैं ना, ये ऊपर वाले जो है इनको भवे आईब्रोज, जी हाँ, ये पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है, उर्दू का लफ्ज है भवे। गुसल करना फिलकसाते, उस टब में यानी उस टब से पानी लेकर गुसल करना या उस कुंडे से लेकर पानी गुसल करना, अल्लती युजनु फीहा, के जिसमें आटा गोंधा जाता है, अल्लती युजनु फीहा, जिसमें आटा गोंधा जाता है। हदीस अन उम्मेहान इन रदी अल्लाह अन्हा أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين। أم هاني رضي الله عنها سے روایت ہے, فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا, وميمونة اور آپ کی زوجہ میمونة رضی اللہ عنہ نے, من إناء واحد, ایک ہی برتن سے, फी का साधन टब में, फी हा अथर उलाजीन, उसमें गुंधे हुए
या गोंधे हुए आटे के निशानात थे, असरुलाजीन गोंधे हुए आटे के निशानात थे। इससे ये पता चला कि खाने पीने के बर्तन को नहाने के लिए इस्तेमाल करना, इससे वो नापाक नहीं हो जाता। दूसरी ये कि अगर कोई ऐसा पानी कि जिसके अंदर मामूली मिकदार में कोई चीज गिर गई हो, कोई चीज शामिल हो गई हो, लेकिन अभी भी उसको पानी कहा जा सकता है, तो उसको इस्तेमाल की लेकिन इतना कि उसको पानी कहा जा सके, यानी कि आटे वाला पानी बाकायदा उसका रंग ही पूरा तब्दील हो जाए। जिस बसा औकात हम बाल्टी से पानी लेकर नहाते हैं और मुंह पर साबुन लगा हुआ होता है, और अगर वो हाथ उसके अंदर दोबारा हम दाखिल करते हैं तो थोड़ा सा उसके असरात उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो मामूली सा हो, ये ना कि वो पूरा का पूरा झाग से भर जाए, तो जाहिर बात है कि वो पानी उसके अंदर पाक करने की सलाहियत नहीं रहेगी। अगर थोड़ा सा उसके अंदर फर्क आ गया है तो, लेकिन शर्त है कि उसके ऊपर गालिब ना आ गया हो, तो उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। पर चाहे उसके अंदर कोई भी पाक चीज गिर जाए, मिसाल के तौर पर उसके अंदर थोड़ा सा नमक वाला पानी चला जाए, वो ये भी पाक है, उसका थोड़ा सा जायका तब्दील हो जाएगा। या फिर कि उसके अंदर कोई खुशबूदार कोई चीज गिर जाए, उसके अंदर साबुन की टिक्किया गिर गई, आपने फौरन उसको निकाल लिया, तो इस तरह के पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है। जी चेहरे के बाल उखाड़ने पर लानत है, चेहरे के तमाम बालों पर लानत नहीं है उखाड़ने पर, बल्कि यही आईब्रोस को उखाड़ने पर जो है वो लानत की गई है। अल अजीन गुंदे हुए आटे को कहते हैं, और अल अजीन गुंधा हुआ आटा उसके निशानात होते थे। यो जनफीहा जिसमें आटा गुंधा जाता है, ये एक बाब खुल जाएगा, लेकिन आपने सवाल किया तो बता देते हैं कि पहली बातों की तस्वीर ही नाजायज है, और दूसरी बात है कि तस्वीर को जो है वो आगे देना, तस्वीर के जरिए से रिश्ते तय नहीं पाते, उसके जरिए से थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो सकता है, लेकिन उसको हर्फ आखिर नहीं करा दिया जा सकता। बजा तो खुद ये कोई ऐसा अमर नहीं है कि जिसकी वजह से तस्वीर निकाली जा सके। तस्वीरों का जो फितना है उसने बहुत बहुत जो है वो आगे जाकर घरों को उजाड़ा है। किताब और निकाह कब पढ़ेंगे, वल्लाह आलम। अगली हदीस है बाब जिक्र तर्किल मरअति नक़द ज़फ़र रअसिहा इंदा इख्तिसालिहा मिनल जनाबति। मफ़हूम पहले से समझ लें कि अगर औरत जनाबत से गुस्ल कर रही हो तो वो जो बालों को आपस में लपेट कर तीन हिस्से करके उसको क्या बोलते हैं, चोटी या चुटिया, हाँ, तो ये इसको खोलना गुस्ल जनाबत के मौके पर वाजिब नहीं है। अगर कोई औरत खोल दे तो ये जायज है, लेकिन ये उसके ऊपर वाजिब नहीं है। जहां तक जो है वो हैज का मामला है तो वो आगे आ रहा है कि हैज की सूरत में जब हैज खत्म हो जाए और उसके बाद नहाना हो तो क्या उस सूरत में बालों की जो चोटी है उसको खोलना जरूरी है कि नहीं है। लेकिन यहां पर जो मामला है वो ये है कि अगर जनाबत से औरत ने गुसल करना है तो अपने सारे बालों को खोलना जरूरी नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि उसका जो पानी है वो अपने बालों की जिल्द तक पहुंचे। अगर उसको पता है कि इसके बगैर पानी नहीं पहुंच पाएगा तो फिर उसके लिए जरूरी है कि वो अपने बालों को खोल दे। बाबू दिक्र तर्किल मरअति नक़द ज़फ़र रअसिहा इंदा इख्तिसालिहा मिनल जनाबति। ये बाब है, इस बारे में ये जिक्र है कि तर्किल मरअति औरत का छोड़ देना, नक़द ज़फ़र रअसिहा अपने सर की मेंढियों को,
अपने सर की चोटियों को आइंदा इख्तिसालिहा मिनल जनाबते उसका जनाबत से गुसल करते हुए, औरत का अपने सर की मेंढियों को खोलने को छोड़ देना उसका गुसल जनाबत करते हुए। عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قلت یا رسول اللہ ان امرأة ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، इन्नी मरातुन बेशक मैं एक ऐसी औरत हूं, अशुद्ध के मैं मजबूती से बांधती हूं, दफरा रासी अपने सर की चोटी को, अफा अनकुदुहा क्या मैं उसे खोल दूं, आइंदा गसलिहा मिनल जनाबते जनाबत के मौके पर उसको धोते हुए, आइंदा गसलिहा मिनल जनाबते जनाबत के मौके पर गुसल करते हुए उसको धोते हुए। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ने फरमाया انما يكفيك सवाय इससे कुछ नहीं तुम्हें काफी है ان تحفي ये कि तुम चुल्लू भर कर डालो ان تحفي ये कि तुम हाथों से पानी डालो या चुल्लू भर कर डालो ان تحفي ये कि तुम चुल्लू भरकर डालो अला रसी की अपने सर पर तलात हतयात तीन चुल्लू मिनमा इन पानी के। उम्मे सलमा रज़िल्लाहु अन्हा ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मामला जिक्र किया कि मैं ऐसी औरत हूं जो मैं अपने सर की चुटिया को बांध देती हूं, अपने बालों को खुला नहीं छोड़ती, क्या मैं जनाबत से गुसल करते हुए उनको खोल दूं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा यकफी की हकीकत यह है कि तुम्हें काफी है अंतहती आला रासी की ये कि तुम डालो अपने सर पर तलात हतयातिन तीन चुल्लू मिन मा इन पानी के तुम तुफीदीना आला जसदी की फिर तुम पानी बहाओ अपने जिस्म पर, उसके बाद तुम अपने जिस्म पर पानी बहा सकती हो, यानी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि तुम इस मौके पर अपने सर के बालों को खोलो। अगर आसानी से खुल सकते हैं जैसा कि मौजूदा दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सहूलतें, पहले दौर में जिस तरीके से हमारे यहाँ तो इस तरीके से कोई चीज नहीं है कि जिसे बालों को जमाया जा सकता हो, जैसे कि जो वो बालों की जो लोशन इस तरीके से कुछ आते हैं जेल जैसे आते रहते हैं, उस दौर के अंदर इस तरीके से होता था कि उसको तलबीद कहते थे, वो भी एक किस्म का मादा होता था कि वो लगाकर अपने बालों में उसको चिपका दिया करते थे ताकि बालों के अंदर मट्टी वगैरह ना जाए। नकद का माना होता है खोलना। उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोजा ने कहा मैंने कहा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी मरातुन अशुद्ध दफरा रासी बेशक मैं ऐसी औरत हूं कि मैं मजबूती से बांधती हूं अपने सर की चुटिया को, अफा अनकुदुहा आइंदा गुसलिहा क्या मैं उसे खोल दूं, आइंदा गसलिहा किसका माना तो उसको धोते हुए यानी सर के बालों को धोते हुए मिनल जनाबती जनाबत से, क्या मैं उसे खोल दूं आइंदा गसलिहा मिनल जनाबती जनाबत से धोते हुए या जनाबत से गुसल करते हुए। आला आप अलैहि सलाम ने फरमाया इन्नमा यकफीकि हकीकत यह है कि तुम्हें काफी है अन तहती ये कि तुम बहाओ आला रासी की अपने सर पर तलात हतयातिन तीन चुल्लू तीन मर्तबा हाथों से पानी लेकर अपने सर पर बहाना मिम्मा इन पानी के सुम्मा तुफीदीना फिर तुम बहाओ आला जसदी की अपने जिस्म पर। औरत अगर अपने बाल कटवाना चाहे सर के बाल तो क्या उसके लिए जायज है कि ना जायज है, या फिर एक शोहर कहे फिर ही कटवा सकती है?
ये इस मामले में शरीयत ने कोई सख्ती नहीं की तो इसको मुबाह ही करार दिया जाएगा। इसमें ये कोई पाबंद नहीं थी, शोहर कहे तो फिर कटवाए। अच्छा, अगर औरत खुद चाहती है कटवाना तो उसी कोई दिल, उसका कोई दिल नहीं है, उसी कोई मर्जी नहीं है, चाहे कमारी हो या शादीशुदा हो। हाँ, ये है कि शादी के बाद अगर शोहर नहीं चाहता कि वो बाल काटे तो फिर जो उसको बचना चाहिए। अगर शोहर कहता है कि तुम बाल काटो तो एक मुआफकत यानी एक मोहब्बत और उल्फत के लिए जो है वो शोहर का कहना मानना चाहिए। लेकिन अगर कमारी तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है शरीयत की तरफ से। बस ये है कि तमाम मामला पर्दे के अंदर हो, औरतों के दरमियान हो। तो उसी पर इक्तफा करते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। सुभानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।